लेटेस्ट न्यूज की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिशा परमार और राहुल वेद का ब्रेकअप कराने में जुटी राखी सावंत और निक्की तंबोली पर लगाए गए आरोप। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि राखी सावंत द कंट्रोवर्सी क्वीन राखी सावंत अब जुट गई हैं राहुल वेद का ब्रेकअप कराने के चक्कर में। और इन सब मामलों में उन्होंने निक्की तंबोली पर लगाया इतना बड़ा आरोप। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जब से बिग बॉस 14 के घर में कंटेस्टेंट के तौर पर राखी सावंत ने एंट्री लिया है, तब से बिग बॉस 14 का घर करू काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। वो अपने मस्त मौला अंदाज में सबसे पंगे लेते रहती हैं और वो सब पर अपने निशाना साधे रहती हैं। इस बार उन्होंने फिर से अपना निशाना बना लिया है निक्की तंबोली को, जिसके साथ राहुल वेद भी निशाने पर आ चुके हैं। और इसी बीच उन्होंने निक्की तंबोली पर इतना बड़ा आरोप भी लगा दिया। निक्की तंबोली और राखी सावंत एक दूसरे से बात करना तक पसंद नहीं करती, जिसके बाद सलमान खान से डांट सुनने के बाद राखी सावंत ने दोस्ती कर ली थी निक्की तंबोली से। लेकिन अब फिर से ये लग रहा है कि निक्की तंबोली पर निशाना साधी हुई है राखी सावंत। दरअसल बात यह है कि बिग बॉस के कैमरे में ये देखा गया था कि राखी सावंत ने ये देखा कि राहुल वेद और निक्की तंबोली एक दूसरे से कोने में बैठकर कुछ बातचीत कर रहे थे, जिसके बाद कैमरे के भरोसे उन्होंने एक वीडियो सेंड कर दिया था दिशा परमार को, जो कि राहुल की गर्लफ्रेंड है। और उन्होंने ये लिख दिया कि अब तो राहुल हो गया निक्की तंबोली का, जिसके बाद राखी सावंत राहुल वेद के बारे में दिशा परमार को भड़काते हुए नजर आई हैं, जिसके बाद ऐसा आशंका लगाया जा रहा है कि राखी सावंत राहुल का ब्रेकअप कराने में जुटी हुई हैं।